हेलो, मैं स्पीक टू इंस्पेक्टर राम प्लीज. ड्यूटी पे कहाँ हैं? अच्छा, आप बता सकते हैं कितने बजे आएंगे वो? 8 बजे? 8 बजे आएंगे? उससे पहले आने का चांस नहीं है जी. थैंक यू. अब क्या होगा? जब देखो ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी. जब राम ड्यूटी पे जाता है तो सारी दुनिया को भूल जाता है, किसी का नहीं रोता वो. ए प्यारे, कुछ रास्ता निकाल भाई, कोई रास्ता निकाल, नहीं तो मर जाऊंगा मैं. मेरा सेक्रेटरी है, कुछ सोचो. समथिंग प्लीज, थिंक समथिंग, थिंक समथिंग, थिंक. गो, गेट रूम यार. ये मूंछ क्यों उठा के लाए आप? ये तो खूब कहके मूंछ. हाँ, समझा. तो जनाब आप ये कह रहे हैं कि मैं खुद मूंछ लगा के उनके घर पहुंच जाऊं? नमस्ते, आइए आइए. बस सिर्फ दूर दूर से आइए, हम इस तरह मिलते हैं. अरे बदतमीज है आप. ऐसा बदतमीजी क्या बात है? छोड़िए मुझे. भड़कती क्यों है? मेरे दिल पे हाथ रखे थे, किस तरह धड़क लाया तेरे लिए. अरे बेटे, कौन है ये? किससे बातें कर रही हो? मैं हूँ, और मुझसे बातें कर रही हैं. आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर राम. पुलिस इंस्पेक्टर राम. ओहो, यस, प्लीज टू मीट यू. तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है आजकल. जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था तो. आपकी जवानी के किस्से बड़े लंबे होते हैं. मैंने आप इनसे पूछे तो सही कि ये यहाँ किस लिए आए. एक्सक्यूज मी सर, आपने अपनी बेटी को कभी सिखाया नहीं कि जब दो बड़े पुलिस ऑफिसर बात करते हैं, छोटे बच्चे बीच में नहीं दखल देते. करेक्ट करेक्ट. जाओ बेटा, इनके लिए हथकड़ी लाओ. जी, हथकड़ी? नहीं नहीं, चाय चाय लाओ. हाँ, चाय लाइए. आप जरा गर्म चाय लाइए, गर्म चाय. बैठो बैठो. अब बताओ नौजवान, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी. फिर बताओ तो सही, क्या कर सकता हूँ? जी, आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दें तो. मेरे मतलब मेरे भाई के साथ कर दें. तुम्हारे भाई के साथ? जी. तुम्हारा भाई क्या करता है? जी, उसे एक्टिंग का बड़ा शौक है. वो एक्टर बनने की कोशिश में लगा, जैसे दिलीप कुमार राज कपूर. ये दिलीप कुमार वल्द राज कपूर कौन है भाई? नहीं सर, वो एक आदमी नहीं, दो अलग आदमी है जी. जैसे दिलीप कुमार राज कपूर बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं सर. अच्छा जी, तो तुम्हारा भाई भी एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है? जी, अच्छी नकल कर लेता है, कभी एक्टिंग अच्छी. तो फिर भूल जाओ मेरी बेटी को. क्यों सर? मिस्टर, मेरी बेटी की शादी होगी तो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ ही होगी. सर, एक बार अपनी बेटी से भी तो पूछ लीजिए. आजकल तो जमाना बदल गया है. ए नौजवान, जाकर सारे पुलिस डिपार्टमेंट से पूछो, मैंने जब तक सर्विस की है जमाना मेरे साथ बदलता रहा है, मैं जमाने के साथ नहीं. वो तो ठीक है सर, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी चीज है जिसपे पुलिस का हुक्म नहीं चलता है, वो है प्यार, मोहब्बत, इश्क. ए नौजवान, ये इश्क विश्क के किस्से हमें मत सुनाओ. हमने भी बहुत इश्क किए हैं. जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो उस वक्त. खैर कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी नहीं. अरे वेरी गुड, तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ. अरे वेरी गुड. नहीं डैडी, ये कभी नहीं हो सकता. तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो. क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छी बात है सर. वेरी गुड. अब जाकर अपने किसी बुजुर्ग को यहाँ भेजो, शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगा मैं. अच्छा भाई, आता है सर. मैं दरअसल अपने भाई की शादी की बात करने आया था, आपने तो शादी मुझसे ठहरा दी. मुझे तो डर लगता है सर. डर लगता है? ए, तुम पुलिस ऑफिसर हो या नहीं? नहीं सर, हूँ सर, मैं हूँ. तो फिर डर किस बात का? सर, मैं अपने भाई के बारे में सोचा था सर. वो भाई के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे. अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर. अपने भाई को समझा दूंगा, समझ लूंगा सर. अरे अब क्या? नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते. डैडी, ये आपने क्या किया? मैं इससे नहीं, इसके भाई राजा से प्यार करती हूँ, और मैं उसी से शादी करूंगी. इससे नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी. राजा,
कहाँ गए थे तुम मेरे कपड़े पहन के मेरे जैसी मूछ लगा के? जहाँ तुम्हें जाना था। 7 दिन पहले तय हुआ था कि आज तुम रानी के घर जाओगे मेरी बात करने, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती। क्या करता? मैं कोई जरूरी काम में फंसा हुआ था। काम काम काम, मैं पूछता हूँ, इंसान की जिंदगी में काम के सिवा और कुछ भी नहीं है क्या? खानदान, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, भाई बरादर, तुमसे तो चलना चाहना है। राम, ये घर है हवालात नहीं। तुम जबान के बजाय तमाचे से बात करने लगे हो। तमाचा तो क्या, तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मालूम है तुम्हें, किसी और का भेस बदल कर अपना मतलब निकाला कानून के अंदर जुर्म होता है। और उस दिन अपना मतलब निकालने के लिए मुझे राम बनाया था, वो जुर्म नहीं था क्या? नहीं नहीं, जो काम कानून के इशारे पर कानून के दायरे में किया जाता वो जुर्म नहीं होता, और जो काम मोहब्बत के इशारे पे मोहब्बत के दायरे में किया जाता है वो भी जुर्म नहीं होता। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे इस घटिया ड्रामे से मेरी नौकरी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। ओ, तो फिर आप अपनी नौकरी बचा लीजिए भैया, मेरी जान की फिक्र मुझ पे छोड़ दीजिए। चल यार, चले यहाँ से। घर छोड़ के जा रहे हो? घर? तुम्हारा कैद खाना छोड़ के जा रहा हूँ? पागल हो गए हो? राजा बेटे, ये क्या बचपना है, इतनी सी बात पर तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो? मुझे छोड़ दो चाचा, मुझे आज मालूम हुआ कि इसे अपने भाई से अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है। इसके एक तमाचे से सारे रिश्ते टूट गए। राजा, क्या हुआ? राम, मुझे माफ कर दे राम, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा राम, मुझे माफ कर दे। जाओ, माफ कर दिया है? ये सब नाटक था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों, तुम एक्टर हो तो हम एक्टर के बड़े भाई हैं, हम देखना चाहते थे कि एक तमाचे से भाइयों का रिश्ता सचमुच टूट सकता है क्या? बड़े भाई का इतना भी हक नहीं होता राजा। भैया,